अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। नाइन्थ फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पढ़े हैं। इसमें हमने आज एक मेजरिंग डिवाइस को डिस्कस करना है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर हमने सबसे पहले ये बताना है कि अगर मैं किसी मीटर स्केल की बात करूं तो मीटर स्केल की प्रिसीजन या फिर लीस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है 1 मिलीमीटर या फिर 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में लिखना चाहो तो 0.001 मीटर बनता है। अगर आपको इससे भी ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग चाहिए तो उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर को यूज करते हो। वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो कितना होता है, वो होता है 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.001 मीटर, इसका लीस्ट काउंट होता है। तो अगर आपने बहुत स्मॉल रीडिंग को मेजर करना है जो कि मीटर स्केल से भी स्मॉल हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उसके लिए आप वर्नियर कैलिपर को यूज करते हो। ठीक है जी, हम वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करनी है उसके लिए जरा डायग्राम को गौर से देख लीजिए। आपने इस तरीके से ड्राइंग करनी है। न्यू लाइन लगानी है आपने। यहाँ पे इस जगह के ऊपर आपने एक विंडो शो कर देनी है। ये क्या बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं हम वर्नियर स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है, मेन स्केल बनाना है। यहीं से आपने स्टार्ट हो जाना है इसके दूसरे साइड को बनाने के लिए। सेम उसी पैटर्न से चलते हुए आपने इस जगह के ऊपर आना है, फिर यहाँ से आपने लाइन स्ट्रेट कर देनी है। लाइन स्ट्रेट करने के बाद आपने क्या शो करना है कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर इस तरीके से एक और स्केल का हिस्सा है जो कि अब इस तरफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसके बीच में से स्केल गुजरता हुआ आ रहा है, वो स्केल इस तरह से है। ये ब्रोकन शो किया है, मतलब ये मजीद आगे की तरफ चलेगा। ठीक है, सो जो ये वाले हैं ये क्या हैं, ये हैं आउटर जार्स, ये वाले हैं इनर जार्स। ठीक है, इस जगह के ऊपर एक स्क्रू भी लगा होता है जो लॉक के तौर पे इस्तेमाल होता है। ये स्क्रू है और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये लॉक के लिए इस्तेमाल होता है कि जहां पर मेजरमेंट लेनी है वहां पे आप लॉक कर सको। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे इसके अंदर एक रॉड भी चल रही होती है। ठीक है, ये रॉड भी चल रही होती है, ये भी मैंने ब्रोकन शो किया, ये भी आगे पूरी लेंथ की होगी। तो भाई यहाँ पे इस जगह के ऊपर जो ये वाले आउटर जार्स हैं ये ओपन होके क्या करते हैं, किसी भी चीज का आउटर डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। ऊपर वाले इनर जार्स हैं वो किसी भी चीज के इंटरनल डायमीटर को इस तरीके से मेजरमेंट करने के लिए यूज होते हैं। आउटर जार्स बाहर से मेजरमेंट करते हैं, इंटरनल जार्स जो है, अपर जार्स जो है, इनर जार्स, वो इस जगह पे अंदर की तरफ से मेजरमेंट लेते हैं। ठीक है, और जो ये वाली चीज है ये किसी भी चीज के डेप्थ को मेजर करती है। दैट मीन्स इस तरह से आप इसके अंदर डाल के इस किसी भी कैप की जो है वो डेप्थ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाद आपको इनर वॉल्यूम चाहिए होते हैं, उसके लिए आप इनर जार्स यूज करते हो और इसके अलावा डेप्थ वगैरह फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई करके आप क्या करते हो, उसको फाइंड आउट कर लेते हो। अच्छा, अब उसके बाद ये जो हमारे पास मेन स्केल है इसके ऊपर एक लाइन चल रही है, वो लाइन इस तरह से चल रही है। ठीक है, इसके ऊपर सेंटीमीटर में डिविजन मौजूद है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर इसका क्या लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है 0। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पे टोटल 10 डिवीजन है इस तरीके से। और मजीद आगे डिवीजन चल रही है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है,
ये 5 सेंटीमीटर है, दरमियान में भी डिविजन है, वो मैं नहीं बना रहा हूँ, लेकिन वो यहाँ पे जगह के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अब जब आप इस पॉइंट को देखोगे, अगर मैं इस पॉइंट को फोकस करूँ तो यहाँ पे भी कुछ लाइनें लगी हुई है और उनके साथ कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये 0 की लाइन है और ये 10 की लाइन है। ठीक है, यहाँ पे जगह के ऊपर होगा 5 और दरमियान में वैसे ही डिविजन हुई होंगी। ठीक है, अब अगर मैं जरा इसको जूम इन करके बनाऊं, जरा बड़ा करके बनाऊं, तो भाई यहाँ पे इस जगह के ऊपर लिखा हुआ है मेन स्केल का 0, इधर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, ये वाला स्केल बना रहा हूँ। दरमियान में क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है 0.5 और दरमियान में डिविजन है। ठीक है जी, ये एक डिवीजन 1 मिलीमीटर की है। अब उसके बाद ये हमारा जो है मेन स्केल है और ये वाला स्केल कौन सा है, ये है वर्नियर स्केल। ठीक है, अच्छा अब वर्नियर स्केल पे भी यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे एक लाइन है जो कि किसके साथ कॉइंसाइड कर रही है, 9th लाइन के साथ मैच कर रही है और इसका नाम 10 है। दरमियान में डिवीजन इस तरह से है कि आपने क्या करना है, आपने इस जगह के ऊपर इसमें भी 10 डिवीजन को शो करना है और 10 डिवीजन में से हर डिवीजन ऊपर मौजूद डिवीजन है थोड़ी थोड़ी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे जब हमारे पास लाइनें मैच कर रही होंगी तो ऊपर मौजूद स्केल की जो 9th लाइन है उसके साथ नीचे मौजूद स्केल की 10th लाइन मैच कर रही होगी। तो अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इस जगह के ऊपर ये 10 लाइनों की 10 पॉइंट की लेंथ कितनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ ऑफ 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल की 10 डिवीजन की लेंथ कितनी है, वो है 0.9 सेंटीमीटर, 9 मिलीमीटर या फिर 0.9 सेंटीमीटर। फिर मैं कहता हूं यहाँ पे लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी है, तो वो आएगी 9 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 10 या फिर 0.9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो भाई मैंने यहाँ पे कहा कि इन 10 डिवीजन की जो लेंथ है वो कितनी है, वो 9 मिलीमीटर है, यहां तक लेंथ है इसकी। और जो हमारे पास ये एक छोटी डिवीजन है इसकी लेंथ कितनी है वो अभी हम निकाल लेते हैं, वो आएगी 0.9 मिलीमीटर या फिर 0.09 सेंटीमीटर। तो भाई ये हमने क्या किया है, इस जगह के ऊपर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन की लेंथ निकाली है वर्नियर स्केल के ऊपर। तो भाई मेन स्केल के ऊपर जो एक स्मॉल डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 1 मिलीमीटर और वर्नियर स्केल के ऊपर जो स्मॉल डिवीजन है उसकी लेंथ कितनी है, वो है 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, तो भाई वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल कितनी लेंथ ही है, वो है 1 मिलीमीटर और वन स्मॉल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 0.9 मिलीमीटर। तो डिफरेंस कितना है, ठीक है, इस डिफरेंस को हम कहते हैं वर्नियर कांस्टेंट। इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, वर्नियर कांस्टेंट कहती है। वर्नियर कांस्टेंट क्या है, वो इन दोनों डिविजन्स का डिफरेंस है। दैट मींस इट इज द डिफरेंस ऑफ वन स्मॉल डिविजन ऑन मेन स्केल माइनस वन स्मॉल डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। ये आपने पूरी पूरी बात लिखनी है, तो भाई ये होगा 1 मिलीमीटर और नीचे वाला होगा 0.9 मिलीमीटर। तो डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 0.1 मिलीमीटर, दैट मीन्स 1 मिलीमीटर का 10th पार्ट। ठीक है, तो भाई ये जो ये वाली डिवीजन है, इन दो डिवीजन का दरमियानी फासला कितना है, 1 मिलीमीटर का है, और जो नीचे मेन स्केल की डिवीजन है उसमें कितना फासला है, वो है 0.9 मिलीमीटर का। तो ये डिवीजन की लेंथ कितनी है, 1 मिलीमीटर, और ये डिवीजन की लेंथ कितनी है, ये है 0.9 मिलीमीटर। तो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस 0.1 मिलीमीटर है, और इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्नियर कॉन्स्टेंट। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज वर्नियर कांस्टेंट, तो आपको ये बात का पता होना चाहिए कि वर्नियर कांस्टेंट होता क्या है। वर्नियर कांस्टेंट होता है किसी वर्नियर कैलिपर की वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल का डिफरेंस, जो क्या कहलाता है, वर्नियर कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा कि यहाँ पे ये लाइन लेंथ डिफरेंट लेंथ की है, तो इसका फायदा क्या होगा,
इसका फायदा ये होगा कि किसी भी टाइम के ऊपर इन 10 लाइनों में से, वर्नियर स्केल की 10 लाइनों में से कोई सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो ऊपर मौजूद किसी भी लाइन के साथ मैच कर रही होगी, और फिलहाल वो लाइन कौन सी है, जीरोथ है या फिर टेंथ है। ठीक है, जब जीरो मैच करती है तो टेंथ भी मैच करती है, लेकिन इसके अलावा कोई केस नहीं कि कोई भी केस ऐसा नहीं कि जिसमें वर्नियर स्केल की एक से ज्यादा लाइन ऊपर मौजूद किसी भी लाइन के साथ 100% अलाइन हो। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, सॉरी हाँ जी, ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो भाई इससे आप लीस्ट काउंट निकालोगे, तो भाई इस वक्त हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है मेन स्केल की, वो है 1 मिलीमीटर, और इसके अलावा वर्नियर स्केल की टोटल डिवीजन कितनी बनाई हुई है, वो बनाई हुई है 10, तो आंसर कितना आएगा 0.1 मिलीमीटर या फिर 0.01 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पे आप देखो कि इस जगह पे जो लीस्ट काउंट की वैल्यू है और जो वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यूज है ये एक ही होती है, लेकिन डेफिनेशन एक ही होती है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर का, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन जो कि वर्नियर कैलिपर मेजर कर सकता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। जबकि इसके अलावा वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, वो वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल और वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल की लेंथ डिफरेंस के इक्वल होता है। लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू एक ही होती है, लेकिन इनकी डेफिनेशन एक नहीं होती, तो डेफिनेशन जब भी पूछी जाए आपने अलग अलग लिखी है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर कुछ डिस्कशन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस जगह के ऊपर ये देखते हैं कि किसी भी वर्नियर कैलिपर से कोई भी रीडिंग किस तरह से हासिल करनी है। जीरो एरर उस बाद में करवाता हूं। कोई भी मेजरमेंट लेने के लिए आपने क्या करना होता है, आपने सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग लिखनी होती है। ये किस तरह से लिखते हैं मैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मेन स्केल रीडिंग लिखनी होती है, उसके बाद आप क्या करते हो, लीस्ट काउंट लिखते हो। उसके बाद आप क्या करते हो, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग with any line on main scale। ठीक है जी, तो इसको मैं स्मॉल n का सिंबल देता हूँ, ये फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, वो होता है वर्नियर स्केल रीडिंग VSR, और वो क्या होगा, वो होगा n into least count। फिर उसके बाद होगा टोटल ऑब्जर्व्ड रीडिंग, वो कैसे आएगी, वो आएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इक्वल। बाद में जीरो एरर से जीरो करेक्शन लगाते हैं, लेकिन फिलहाल मैं उसकी बात यहां पे नहीं कर रहा। तो भाई ये स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करके कोई भी मेजरमेंट लेनी होती है। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं जरा बुक की तरफ और बुक से एक एग्जाम्पल सॉल्व करके। अच्छा जी, ये जरा मैं बुक को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा जी, ये देखिए जरा यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने क्या किया है, इस जगह के ऊपर हमने इस फिगर 1.8 को डिस्कस करना है, और हम ये यहाँ पे जरा इसको जूम इन कर लेते हैं। भाई ये देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस जगह के ऊपर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर मेजर कर रहे हैं, और हमारे पास जो रीडिंग है वो यहाँ पे आपकी बुक के सामने है। अब देखिए यहाँ पे इस जगह के ऊपर ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है, ये मेन स्केल में कहाँ पे मौजूद है, किस रीडिंग के राइट पे मौजूद है। भाई
वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल की जिस रीडिंग से राइट साइड पे मौजूद होता है वही हमारी मेजरमेंट होती है। तो भाई यहाँ पे टू के बाद वन और टू डिवीजन आती है, दैट मीन्स मेन स्केल रीडिंग क्या है, यहाँ पे आती है 2.0, ये आती है 2.1, ये आती है 2.2 और फिर क्या है, फिर यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो है। तो भाई मेन स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल के ऊपर बनी हुई वो डिवीजन जिसके राइट के ऊपर वर्नियर स्केल का जीरो मौजूद होता है। तो भाई इस केस में हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग है वो कितनी है, वो है 2.2। तो कितनी है वो 2.2 है। इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग लिखूं तो वो कितनी आएगी, वो आएगी 2.2 सेंटीमीटर। और बच्चों क्योंकि हम फिलहाल मेजरमेंट सेंटीमीटर में कर रहे हैं, लीस्ट काउंट भी क्या लिखना है, मैंने सेंटीमीटर के अंदर ही लिखना है, तो ये लीस्ट काउंट है। अब हम देखते हैं वर्नियर स्केल की वो कौन सी लाइन है जो मेन स्केल के साथ 100% कोइंसाइड कर रही है। दोबारा शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे जीरो लाइन मैच नहीं कर रही, वन भी मैच नहीं कर रही, टू भी नहीं कर रही, थ्री भी नहीं कर रही, लेकिन ये जो फोर्थ लाइन है ये ऊपर मौजूद 2.6 की लाइन से 100% अलाइंड है। तो ऐसे ही होगा, कोई एक लाइन एक टाइम अलाइन होगी, बाकी कोई और लाइन अलाइंड नहीं है। तो भाई हमारे पास वर्नियर स्केल के ऊपर चौथी लाइन फोर्थ लाइन ऊपर 2.6 की लाइन से मैच कर रही है, तो हमारे पास वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन है जो कि मेन स्केल की लाइन से मैच कर रही है, वो है फोर्थ डिवीजन। ठीक है, तो अगर ये फोर्थ डिवीजन मैच कर रही है तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू है 4। भाई उस हिसाब से वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएगी, वो आएगी 4 × 0.01 सेंटीमीटर, ये बन जाएगी 0.04 सेंटीमीटर। अब डायमीटर कितना है, टोटल रीडिंग कितनी है, उसके लिए आपने क्या करना है, 2.2 सेंटीमीटर में 0.04 सेंटीमीटर को ऐड कर देना है और क्या होगा, वो होगा 2.24 सेंटीमीटर। तो भाई ये हमारे पास इस जगह के ऊपर क्या है, ये एक मेजर रीडिंग है, हमने इस जगह के ऊपर डायमीटर को मेजर कर लिया है। ओके बच्चों, अब बारी आती है इसके जीरो एरर्स की। जीरो एरर्स को मेजर करने का भी मेथड सेम टू सेम वही है जो कि कोई भी मेजरमेंट लेने का मेथड है। तो मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, इस जगह के ऊपर इनको मिटा रहा हूँ, क्योंकि अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे जीरो एरर निकालना है। और ये बात नोटिस कीजिएगा कि मैं इस रीडिंग को साइड पे लिख रहा हूँ। तो भाई टोटल ऑब्जर्व्ड रीडिंग, या सिर्फ मैं ऑब्जर्व रीडिंग भी कह लूँ तो ठीक है, वो कितनी है, वो है 2.24 सेंटीमीटर। अब मैंने इस रीडिंग को जीरो करेक्शन के साथ जो है वो सॉल्व करना है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिलहाल ये मेजरमेंट्स मिटा रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने जीरो एरर्स को मेजर करना है। तो भाई यहाँ पे ये रीडिंग्स मैंने मिटा दी है, डिस्काउंट उतने का उतना ही है। तो बहरहाल जीरो एरर क्या होता है, जीरो एरर वो एरर होता है जो इस वजह से आता है कि जब आपने वर्नियर कैलिपर के जार्स को फुली क्लोज कर लिया है तो उस वक्त भी वर्नियर स्केल और मेन स्केल के जीरो एग्जैक्टली अलाइंड नहीं होते। ठीक है, अगर नहीं होते तो जीरो एरर है, अगर हो जाते हैं तो जीरो एरर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बुक ने यहाँ पे जो बनाया है उसके अंदर जीरो एरर मौजूद नहीं है। जी यहाँ पे देखिए कि बुक ने इस जगह के ऊपर जो पेज नंबर 10 के ऊपर वर्नियर कैलिपर्स बनाया है उसमें मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो 100% अलाइंड है, तो इसके अंदर कोई भी जीरो एरर मौजूद नहीं है। तो ऐसा हो तो जीरो एरर नहीं है, लेकिन अगर ये दोनों लाइन मैच नहीं करती तो जीरो एरर मौजूद है। और जीरो एरर क्यों है, क्योंकि आपने अब उसके जार्स बंद कर दिए हैं लेकिन इसके बावजूद दोनों जीरो कोइंसाइड नहीं करते। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे इस जगह के ऊपर जीरो एरर की बात करूं तो जीरो एरर एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल जार्स क्लोज कर दिए हैं, यहाँ पे ये मेन स्केल का जीरो है, ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दरमियान में डिविजन्स हैं इस तरीके से। और आपने जार्स को क्या कर दिया है, जार्स को क्लोज कर दिया है, लेकिन जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो ऊपर मौजूद जीरो के साथ बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, बल्कि थोड़ा सा राइट साइड पे मौजूद है, तो अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड के ऊपर मौजूद होता है तो जीरो एरर पॉजिटिव है। इस बात का मतलब है कि असल रीडिंग से ज्यादा रीडिंग आएगी जब आप एक्चुअल मेजरमेंट लोगे। तो अब हम यहाँ पे अगेन बुक वाली एग्जाम्पल करते हैं।
अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम वो वर्नियर कैलिपर यूज कर रहे हैं जो कि यहाँ पे पेज नंबर 11 के ऊपर बना हुआ है, और कौन सा है, बी पार्ट वाला है, ठीक है, ये जो फिगर है यहाँ पे जरा के ऊपर, फिगर कौन सी है, फिगर है 1.7, इसके बी पार्ट की बात कर रहा हूँ। ए पार्ट के अंदर बिल्कुल जीरो एरर नहीं है, लेकिन जो बी पार्ट है उसमें मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो मैच नहीं कर रहे, ठीक है, जांच क्लोज होने के बावजूद। तो बताइए मेन स्केल रीडिंग कितनी है, मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे कितनी होगी, बताओ कितनी मेन स्केल रीडिंग है यहाँ पे, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से राइट साइड पे मौजूद है, इसलिए मेन स्केल रीडिंग कितनी है वो जीरो है। उसके बाद कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही है, तो देखिए जीरो लाइन नहीं कर रही, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी मैच नहीं कर रही, लेकिन जो सेवंथ लाइन है वर्नियर स्केल की, सेवंथ लाइन ऊपर मौजूद 0.7 से 100% अलाइंड है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास फिलहाल मेन स्केल की रीडिंग जो है ना वो कितनी है, वो है जीरो, और नंबर ऑफ डिवीजन कौन सी मैच कर रही है, सेवन, और यहाँ पे क्या आएगा, 7 × 0.01, दैट मीन 0.07 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग कैसे आएगी, 0 + 0.07 सेंटीमीटर, या फिर ये होगी +0.07 सेंटीमीटर। तो भाई ये क्या है, ये अब जो हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग आई है ये आई है जीरो एरर के इक्वल, तो ये जीरो एरर है। बताओ जीरो करेक्शन कितनी है, अगर आपकी रीडिंग असल रीडिंग से ज्यादा आ रही है तो आप उसमें से एरर को माइनस कर लो। तो भाई जब जीरो एरर पॉजिटिव होता है तो करेक्शन रीडिंग जो है वो नेगेटिव होती है। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ करेक्टेड टोटल ऑब्जर्व्ड रीडिंग, तो उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आएगा वो आएगा 2.24 सेंटीमीटर माइनस 0.07 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कितना होगा, ये होगा 2.17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास करेक्शन लगाने के बाद इसका डायमीटर आएगा। तो ये मैंने पॉजिटिव जीरो एरर की बात कर ली, अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव जीरो एरर की, ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है, तो भाई मैं यहाँ से अब दोबारा इस जगह से ना ये तमाम के तमाम ऑब्जर्वेशन में टा रहा हूँ, क्योंकि तो दोबारा लेनी है, एक और केस सॉल्व करना है हमें इस जगह के ऊपर। भाई ये रीडिंग अभी भी वही है, लेकिन देखते हैं कि आप करेक्शन लगने के बाद आंसर क्या आएगा। तो भाई अगर हमारे पास केस ऐसा हो कि जो जांच क्लोज होने के बाद ये रहा मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, इसको क्रॉस करके आगे आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब है असल रीडिंग से कम मेजरमेंट आएगी, और इस वक्त आपका जीरो एरर क्या है वो नेगेटिव है, ठीक है। तो दोबारा बुक की तरह चलते हैं, देखिए जो सी पार्ट है उसकी बात कर रहा हूं, यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो को क्रॉस करके लेफ्ट पे आ चुका है, इस बात का मतलब ये कि मेन स्केल रीडिंग जो है ना वो अब जीरो नहीं है। मेन स्केल रीडिंग वो होती है जिससे वर्नियर स्केल का जीरो राइट पे हो, जबकि यहाँ पे वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से लेफ्ट पे है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मेन स्केल रीडिंग एक वर्चुअल रीडिंग इक्वल है, और वो कितनी है, वो है 0.1 सेंटीमीटर, और वो माइनस में है, ठीक है, इसके इक्वल है -0.1 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये 0-0 पे बिल्कुल बराबर आता तो रीडिंग जीरो होती, और अगर ये जीरो अगले डिवीजन पे आ जाता तो रीडिंग होती 0.1 सेंटीमीटर, लेकिन ये चूंकि उसको क्रॉस करके आगे जा चुका है, पिछली रीडिंग पे जा चुका है, इसलिए इस वक्त जो रीडिंग है वो कितनी है, वो है -0.1 सेंटीमीटर। और लाइन कौन सी मैच कर रही है, नाइन्थ लाइन एग्जैक्टली अलाइंड है, नाइन्थ लाइन क्या है, वो एग्जैक्टली अलाइंड है। उस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस जगह जो ये मेन स्केल रीडिंग है वो 0.1 सेंटीमीटर है नेगेटिव में, और नाइन्थ लाइन मैच कर रही है, तो 9 × 0.01 सेंटीमीटर करोगे, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 0.09 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, 0 + 0.09 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आएगा, ये आंसर आएगा -0.01 सेंटीमीटर, यहां से आएगा। भाई इस वक्त जीरो करेक्शन कितनी आएगी, जीरो करेक्शन आएगी +0.01 सेंटीमीटर, यही होता है ना आंसर।
अगर 1 में से हम 0.09 माइनस करें तो क्या आता है, यहाँ आता है 1, यहाँ आता है 0.1 प्लस 0.09, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा -0.01 सेंटीमीटर का इसका हमारा आंसर आ रहा होगा। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जीरो एरर कितना है वो नेगेटिव में है, जीरो करेक्शन पॉजिटिव में है। तो नतीजा क्या हुआ कि अगर हमारे पास ऑब्जर्व रीडिंग 2.24 सेंटीमीटर है, उसमें करेक्शन लगाओ वो कितनी होगी, 0.01 सेंटीमीटर, आंसर कितना होगा वो होगा 2.25 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट रीडिंग हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीका आप ये कर सकते हो, और दूसरा तरीका जो आप कर सकते हो वो मैं भी आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीकाकार ये है कि आपने अगर कहना है कि नहीं जी ये -0.1 सेंटीमीटर तो बना ही था हुआ, तो फिर मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे जीरो लिखना है, तो लिख लो भाई। लेकिन फिर आपने ये वाली रीडिंग उल्टी साइड से काउंट करनी है, ठीक है। दैट मीन्स पहली साइड से काउंट करोगे तो ये नाइन्थ रीडिंग बनेगी, उल्टी साइड से काउंट करोगे तो कितनी बनेगी, फर्स्ट रीडिंग बनेगी। फिर ये 1 आएगा, यहाँ पे भी आंसर 1 होगा, यहाँ पे भी आंसर 1 होगा। फिर इधर आप लिख दोगे 0, इधर आप लिख दोगे 1, आंसर होगा 0.01। और जब आंसर आ जाए तो उसको खुद से नेगेटिव कर देना और आंसर पॉजिटिव निकाल लेना। तो बच्चों यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, अदरवाइज लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। नो सर, नो सर, नो सर। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, खुदा हाफिज़।